मुंबईमध्ये आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला दिवस पार पडला. पहिला दिवस हा श्रद्धांजलीपर प्रस्तावासाठी मर्यादित असल्याने आज विधानसभेत काम अवघ्या 2 तासात समाप्त झाले. या दरम्यान राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी ज्यावेळी संपूर्ण मुंबई अंधारात होती हा काहीतरी घातपात आहे, आज या गोष्टीचा संध्याकाळी रिपोर्ट येणार असून सायबर विभाग पत्रकार परिषदेतून सर्व सत्य आपल्या समोर मांडण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे असे मत मांडले. मात्र यावेळी त्यांनी वाढीव वीज बिलावर बोलणं टाळल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट जो है वो तो अभी आई है, लेकिन जिस वक्त मुंबई अंधेरे में चला गया था उस टाइम में मैंने कहा था कि यहाँ कुछ तो भी गड़बड़ है और हमें उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है. हमने विभाग की तरफ से इंक्वायरी कमेटी बिठा ली थी, MERC ने अपनी कमेटी बिठा ली थी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने उनकी कमेटी बिठाई थी. तीनों की रिपोर्ट नज़दीक पास पहुँच चुकी है, उसके बावजूद हमने साइबर सेल को भी कंप्लेंट किया था. साइबर सेल की रिपोर्ट आज शाम को 6 बजे प्रदेश के माननीय गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख जी हमें सौंपने वाले हैं. आप सादर निमंत्रित है उनके बंगले पर ज्ञानेश्वर. भाई जो रिपोर्ट शाम को मेरे सामने आएगी उसके बाद ही मैं उस पर वक्तव्य करूँगा.